हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा। गाइस आज एक बहुत ही अमेजिंग सी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपके लिए लेके आई हूं 3 ओट्स की स्मूदी रेसिपीज। ये बहुत ही सिंपल, क्विक और ईजी रेसिपीज़ है गाइज। अगर आप बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करना चाहते, या आपको कुकिंग आती नहीं है, या आप हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, एक स्टूडेंट हैं, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता सुबह सुबह कुकिंग करने का, आप एक वर्किंग वुमेन है या एक बिजी हाउसवाइफ है, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और सुबह सुबह बस रशिंग आवर्स होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अमेजिंग एक ऑप्शन है ओट स्मूदीज़ का, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और अमेजिंग है वेट लॉस के लिए, और बहुत ही ज़्यादा क्विकली बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो गाइज सबसे पहले देख लेते हैं किस तरीके से बनाती हूँ मैं अपनी 3 ओट्स की स्मूदीज। चलिए मेरे किचन में। स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे एक पैन रख दिया है, उसमें ओट्स डाल रही हूँ। ओट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे हम। इसको हम स्टर करते रहेंगे और गैस यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पर रहेगी, नहीं तो ओट्स हमारे जल सकते हैं। इस तरीके से आप ओट्स को रोस्ट करके एयर टाइट जार में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं और ये अराउंड 1 वीक टू 10 डेज के लिए बहुत आराम से चल जाते हैं। तो मैं एक साथ अपने ओट्स को रोस्ट करके रख लेती हूँ एयर टाइट जार में, और जब भी मुझे ओट्स की कोई भी रेसिपी बनानी होती है तो मैं बना लेती हूँ। तो अब ओट्स हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं, रोस्ट हो गए हैं और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब एक ब्लेंडर जार ले लेते हैं, उसमें मैं 1/4 कप रोस्टेड ओट्स डाल रही हूँ। 2 डेट्स ले लिए मैंने सीडलेस। अब यहाँ पे एक बनाना ले लिया है मैंने चॉप्ड। 5 to 6 आमंड्स ले रही हूँ। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, अराउंड 1 ग्लास, और इसको कर देंगे हम ब्लेंड। ये स्मूदी जो है वो PCOS PCOD वालों के लिए सुपर्ब है, क्योंकि इसमें हम मिल्क का यूज नहीं कर रहे, तो वो ये बहुत आराम से ले सकते हैं। और ये रेडी है हमारी स्मूदी, इसको हम सर्व कर देते हैं एक ग्लास में। देख रहे हैं आप कितनी क्रीमी यमी सी स्मूदी बनी है, एकदम थिक कंसिस्टेंसी है इसकी और ये पीने में बहुत ही ज्यादा डिलिशियस लगती है। इसके ऊपर थोड़े से मिक्स सीड्स डाल रही हूँ मैं। दिस इज अमेजिंग गाइज, आप इसको जरूर ट्राई करिए, बहुत ही डिलिशियस एंड बहुत ही यमी है और वेट लॉस के लिए सुपर्ब है ये। आप इसको ब्रेकफास्ट या फिर लंच में ले सकते हैं और ये थायराइड PCOS एंड डायबिटीज के केस के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, इसको कोई भी ले सकता है और ये बहुत ही ज्यादा क्विकली बन के रेडी हो जाती है। आप इसको रात को ही बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और अपने साथ इजीली कैरी भी कर सकते हैं। स्मूदी बनाने के लिए ब्लेंडर जार ले रही हूँ, उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप रोस्टेड ओट्स। इसमें डाल दूंगी 2 डेट्स, ये सीडलेस है। अब एक एप्पल ले लिया है मैंने, इसको पील नहीं किया है, इसकी सीड्स निकाल ली है और इसको स्लाइसेस में कट कर दिया। इसको भी डाल दूंगी ब्लेंडर जार में। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 स्पून पीनट बटर, ये अनस्वीटेंड पीनट बटर है। अगर आपके पास ये घर पे अवेलेबल ना हो तो आप इसमें अराउंड 10 to 15 रोस्टेड पीनट्स भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा क्रीमी एंड यमी बन जाता है। अब इसमें 1 ग्लास के अराउंड मैं पानी डाल दूंगी। अब ब्लेंडर जार को बंद कर देते हैं और इसको कर देते हैं ब्लेंड। इतना सिंपल, इतना इजी, इतना क्विक ब्रेकफास्ट एंड लंच ऑप्शन मैं आपको ये दे रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, ट्रस्ट मी। देखिए कितना क्रीमी एंड यमी बना है, इतनी थिक कंसिस्टेंसी है इसकी और बहुत ही अमेजिंग है। एंड सबसे ज़्यादा स्पेशल बात इसकी ये है कि ये वेट लॉस के लिए सुपर्ब है। अब यहाँ पे रोस्टेड पीनट्स डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर थोड़े से, इससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो जाता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करो, ये बहुत ही ज़्यादा यमी है और मेरा फेवरेट है। अगर आपको पीनट्स पसंद है तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपको सुपर्ब वेट लॉस देगा। आप इसको ब्रेकफास्ट या लंच में ले सकते हैं और इसको भी PCOS डायबिटीज थायराइड वाले या कोई भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। एक ब्लेंडर जार ले लिया है, उसमें अराउंड 1/4 कप में रोस्टेड ओट्स डाल रही हूँ। अब इसमें 2 सीडलेस डेट्स डाल रही हूँ। अब एक बनाना डाल देंगे इसमें चॉप्ड। यहाँ पे थोड़ा सा अनस्वीटेंड कोको पाउडर डाल रही हूँ मैं। अब इसमें 1 ग्लास वाटर डाल देंगे
और इसका लिड लगा के इसको कर देंगे हम ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। दैट इजी एंड सिंपल गाइज। और मेरी तरह जो भी यहाँ पे चॉकलेट लवर्स है ना, उनके लिए ये है चॉकलेटी क्रीमी यम्मी सी स्मूदी। इसको जरूर ट्राई करिए। आई एम इन लव विद दिस एंड आई एम श्योर ये आपको जरूर पसंद आएगी। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा कोको पाउडर और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी एंड डिलिशियस लगती है। चॉकलेटी है, वेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है। कभी भी आपको चॉकलेट की क्रेविंग होती है तो आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, आपकी चॉकलेट की क्रेविंग भी शांत हो जाएगी और साथ ही साथ आपको मिलेगा सुपर्ब अमेजिंग वेट लॉस। और इसको भी कोई भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकता है और कोई भी बना सकता है क्योंकि इट्स दैट सिंपल। तो गाइज ये थी हमारी अमेजिंग इजी क्विक टेस्टी डिलिशियस ओट्स की स्मूदीज। इनको आप जरूर ट्राई करिए। बात कर लेते हैं ओट्स के बेनिफिट्स की, क्योंकि ओट्स जो है ना वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। ओट्स जो है वो एक होल ग्रेन सीरियल है जो कि ग्लूटेन फ्री है। ओट्स में फाइबर बहुत होता है, बीटा ग्लूकन, जो कि एक्चुअली जब आप खाते हैं तो वैसे के वैसे ही आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन वो सिंपली ऐसे ही एक्सक्रीट नहीं होता, अपने साथ ले जाता है बहुत ही ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल और उसको आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। यस, जो बीटा ग्लूकन होता है यानी कि जो फाइबर होता है ओट्स में, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल और फैट के साथ बाइंड कर लेता है और उसको आपकी बॉडी के साथ बॉडी में से एक्सक्रीट करा देता है। ओट्स डायबिटीज़ के केस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, क्योंकि ये होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इसीलिए आपकी बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करता है, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज का स्पाइक नहीं आने देता। और जैसे जैसे ये एनर्जी रिलीज करता है वैसे वैसे एनर्जी आपकी बॉडी में यूज होती रहती है और आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होती एज फैट। अगर हम बात करें 100 ग्राम ओट्स की तो इसमें 11 ग्राम्स फाइबर होता है। ये हमारी गट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, लैक्सेटिव होता है, तो ये हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता और हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट भी करता है। ओट्स अमेजिंग होते हैं वेट लॉस के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, आपको बहुत देर तक फुल रखता है, ये आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगने देता और क्योंकि ये होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स तो ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और इसको खाकर आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती। ये प्रोटीन रिच है। अगर हम 100 ग्राम्स ओट्स की बात करें तो इसमें होते हैं अराउंड 17 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एवेंथ्रामाइड्स नाम के, जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। इसके अंदर होता है फॉस्फोरस, जो कि आपके बोन्स के लिए अच्छा है, आयरन, जो कि आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स के लिए अच्छा है, और इसके अंदर होता है सिलेनियम, जो थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर हम बात करें हाफ कप ओट्स की, यानी 50 ग्राम अनकुक ओट्स की, तो इसमें होती हैं अराउंड 200 कैलोरीज। आप इसको आराम से ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में या फिर अपने लंच में, डिनर में आप इसको अवॉइड करें। तो गाइज ये थी हमारी अमेजिंग वीडियो 3 ओट्स की स्मूदी रेसिपीज की। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से करिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी अमेजिंग हेल्दी रेसिपीज और वेट लॉस के लिए डाइट प्लान्स मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ मुझे ज़रूर फॉलो करिए, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस, बाय फॉर नाउ।